देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार हल्ला बोल कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग रूपों में आंदोलन कर सरकार को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिला कांग्रेस द्वारा लगातार खाना बनाना हो या भिक्षा टन कार्यक्रम हो या अल्पसंख्यक कांग्रेस मोर्चा का साइकिल मोर्चा हो, निकाल कर केंद्र सरकार को मूल्य की वृद्धि पर अंकुश लगाने का दबाव डाल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आज पैदल और साइकिल मोर्चा निकाल कर केंद्र को ये बताना चाहते हैं कि मूल्य की वृद्धि पर जनता बेबस हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगातार वृद्धि के कारण आज साइकिल का युग फिर से आ चुका है। केंद्र सरकार और मोदी सरकार से मूल्य पर वृद्धि करने का दबाव डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बढ़ते दामों पर मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाए या तो गद्दी छोड़े। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा लगातार केंद्र सरकार जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर रही है, उसके विरोध में आज हम सब साइकिल और पैदल मार्च करके सड़क पर उतरे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में नरेंद्र मोदी की जो सरकार दिल्ली में बैठी उसके विरोध में जो महंगाई के खिलाफ सड़क से संसद तक उतरने का मन बना है, उसके संदर्भ में आज अल्पसंख्यक विभाग ने भी ये मार्च निकाला है। वर्चा दीजिए अपना। सचिन अख्तर अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस। चलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित कार्यक्रम महंगाई और पेट्रोल डीजल गैस की वृद्धि को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी आज साइकिल मार्च निकाल करके बढ़ती हुई कीमतों का विरोध प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार मोदी सरकार से मांग करती है कि ये दोहरा मार जो आम जनता के ऊपर में दे रहा है ये मोदी सरकार, इसे अविलंब वापस ले। आम कीमतों में जो खाद्य पदार्थ है उनकी भी कीमत बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अगर ये डीजल का दाम कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इस देश में लोग एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम भूखे सोएंगे। आज SBI ने भी अपना जो विश्लेषण जो दिया है उसके अनुसार लोग आम जरूरत की चीज़ें कम खरीदने लगे हैं, दवाइयां कम खरीदने लगे हैं, खाद्य वस्तुएं आधा कर दी है लोगों ने खरीदना, और मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आम जनों के लिए सड़क पर उतरी है और इसका पुरजोर विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक कीमतों में वृद्धि को वापस नहीं लेगा। कौन से? अख्तर अली, रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष।